और मैं एम्पायर से गुजारिश करूंगा इस मैच को जल्दी से आरंभ किया जाए, समय का थोड़ा अभाव है और थोड़ी ओवर रेट का भी ध्यान रखा जाए। अभी इसके बाद एक मैच और है आज। चार सफल गेम्स हो चुकी हैं और डिजर्विंग टीम्स ने यहाँ पर जीत हासिल की। जो अच्छा खेले वो जीते और अब देखना है ये मुकाबला कैसा रहेगा। काफी अच्छा बयान किया जीतों की इस स्टोरी को कप्तान ने टॉस टाइम पर। बहुत ही बढ़िया आयोजन है, बहुत अच्छी पिच तैयार है यहाँ पर। साइड स्क्रीन व्हाइट कलर की, एलईडी, डीजे और उससे बढ़िया यहाँ के जो दर्शक। और अब समय है मैन ऑफ द मैच, मैच नंबर 4, मैन ऑफ द मैच चौथे मैच के। मैन ऑफ द मैच 49 रन की पारी खेली उन्होंने, 5 छक्के, 3 चौके। असीम जैन जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, मैन ऑफ द मैच बने आप मैच नंबर 4। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे हम आपसे? अपने आप को कहां तक देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के साथ? फाइनल में खेलेंगे और फाइनल में जीतेंगे भी। सिर्फ 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैन ऑफ द मैच का एक फोटो और प्रेजेंटेशन एरिया में। बैटिंग करने वाली जो टीम है सचिन जी, उनका एक प्लेयर हमारे पास नहीं आया अभी तक। बैटिंग करने वाली जो टीम है, बल्लेबाजी करने वाली टीम, एम्पायर से निवेदन है एक बार मैच को मत स्टार्ट करें। एम्पायर से अनुरोध है एक बार रोक ले मैच को। बैटिंग करने वाली टीम, उनका एक प्लेयर हमारे पास आ जाए। एक प्लेयर आ जाए भाई। स्ट्राइक पर कौन है? राजू मौर्य जी, 1 मिनट लेना चाहूंगा। वंस अगेन वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द मैन ऑफ द मैच ऑफ द गेम नंबर 4, असीम जैन जी। 49 रन्स, 5 सिक्सेस, 3 बाउंड्रीज, बिग हैंड फॉर हिम। कंग्रेचुलेशंस असीम जी, कीप डूइंग इट वंस अगेन एंड अगेन। थैंक यू। और बोलिंग की शुरुआत करते हुए सनी जैन और सामने हैं अंकित जैन। देखते हैं पहले 2 ओवर जो है उनका पहला ओवर। पहले 2 ओवर के अंदर बढ़िया बल्लेबाजी करनी होती है क्योंकि 2 फील्डर बाहर होते हैं, बाकी सभी के सभी प्लेयर होते हैं दायरे के अंदर। शुरुआत होती हुई पहली बॉल की और इस मतलब देखिए, घुमाना चाहते थे लेकिन बाल और बैट का संपर्क बनाना पड़ेगा। बाल और बैट का जब तक संपर्क नहीं बनेगा, क्योंकि संपर्क से प्यार, प्यार से मोहब्बत, मोहब्बत से रिश्तेदारी, बड़ा कुछ होता है संपर्क से, क्योंकि संपर्क जरूरी है। अगली बॉल लेकर पहला झटका लगता हुआ बड़ी जल्दी कर गए। हालांकि 2 ओवर जरूर हैं आपके पास दायरे के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बाल को हिट करें, लगातार हिट करें। और जो अगले बल्लेबाज गए हैं वो गए हैं नीतीश गए हैं। बढ़िया बाल थी, सुंदर बॉलिंग करते हुए
दो बाले हो चुके हैं, चार बाले शेष इस ओवर की पहला ओवर चलता हुआ। नितेश जैन जी आ चुके हैं क्रीज पर, वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स ऑफ जीतो। और इस मरतबा देखिए, इस मरतबा देखिए, बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, और गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रन के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक शब्द यूज किया था स्टार प्लेयर, तो थोड़ी थोड़ी झलक उन्हें पहली गेंद को खेलने में दिख गई। और इन चार रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ पांच। एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर चलता हुआ। और इस मत में देखे, बहुत ही बढ़िया बॉल, देखे सुंदर फील्डिंग कर पाते कि नहीं। और मुझे नहीं लगता जीवन में कभी कंचे खेले होंगे, कंचे खेलने भी जरूरी होते हैं बचपन के अंदर, लेकिन आजकल तो जमाना ही नहीं रहा, लोग गेम क्रिकेट भी खेलते हैं वो भी मोबाइल के अंदर, समय नहीं रहा, समय आ गया आजकल इंटरनेट का, बहुत ही मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं, कभी सचिन खेल रहा है कभी विराट कोहली। अगली बॉल लेकर देखिए, हल्के हाथों से खेल दिया है लेकिन बाल के ऊपर झपटते हुए, लेकिन झपटने के साथ बाल को हाथ में भी लेना जरूरी होता है। एक रन बड़ी आसानी से, बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर राजू मौर्या जी फ्रॉम फाजिल्का, मैच में एक्साइटमेंट बरकरार रखते हुए। अंतिम बॉल लेकर, और इस मत में देखिए, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से, और इस व्हाइट के साथ स्कोर पहुंचता हुआ सात पर। एक विकेट है हालांकि गिर चुका है, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर मिड स्टंप में पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। और मेरे साथ ही कमेंटेटर है मिस्टर धर्मेंद्र फ्रॉम दिल्ली। और इस मत में देखिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, छह रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से। धर्मेंद्र क्या कहेंगे शॉट के बारे में? आप स्टार प्लेयर हैं नितेश जी, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस खेलते रहिए। बहुत ही बढ़िया छक्का, थोड़ा कदमों का उपयोग किया और इस जगह। और सचिन जी एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 1-3 13, एक विकेट का नुकसान था 13 एक ओवर के बाद। क्या अच्छी शुरुआत है, एक विकेट का छक्का लगा था लेकिन अच्छा कमबैक। और इस वक्त काफी गर्मी है ग्राउंड के अंदर, मेरे हिसाब से 30 के करीब, 29-28 के दरमियान टेम्परेचर होना चाहिए, 30 के दरमियान टेम्परेचर होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से गर्मी इस वक्त महसूस करते हुए दर्शकगण भी और इधर कमेंटेटर भी। दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए लेग स्टंप से बाहर एक्सरसाइज करेंगे एम्पायर, व्हाइट बॉल का इशारा, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 14। शाहरुख खान की तरह बाहें खोलते हुए एम्पायर। मैं दर्शकों को बता दूं, जो बॉलिंग कर रहे हैं अंकित जैन, ऑक्शन में 16 की। और इस मत पर देखिए, बहुत ही बढ़िया शॉट से कलाइयों के सारे मोड़ गया है, शॉट मिड की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि। तो मैं दर्शकों को बता रहा था, अंकित जैन जी जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऑक्शन में 16 की 16 टीमें इनके लिए हाइएस्ट बिड की थी इन्होंने, 16 की 16 टीमों ने हाइएस्ट बिड किया था अंकित जी के लिए, जो अभी बॉलर है राइट नाउ। अंकित अपने ओवर की अगली बॉल लेकर, और इस मतबा देखिए, इस मतबा गली की तरफ निकाल दिया, फील्डर वहां पर तैनात है, रन आउट हो पाते कि नहीं, और ये देखिए समय ले लिया। बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर, हर्षल गिब्स की तरह एकदम तेजी से झपटे। आतम जैन है वहां पर फील्डर, अंकित जैन जी की अभी बात कर रहे थे निखिल जी, सभी टीम्स ने इनके लिए हाईएस्ट बिड किया था ऑक्शन में, और क्यों ना करें, अव्वल स्तर के गेंदबाज हैं अंकित जैन, बुमराह के लेवल की बॉलिंग करते हैं टेनिस बॉल से। और इस एक रन के साथ सचिन अरोड़ा जी स्कोर हो चुका है 16 पर गाड़ी पहुंचते हुए। बढ़िया इस वक्त मैच चलता हुआ, तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और इस मत पर देखिए, इसे निकाल दिया है फाइन लेग की तरफ, डीप फाइन लेग पर, फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र एक रन बनता हुआ, इस एक रन का सीधी थ्रो जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 18। एकदम कप्तानी थ्रो था ये, 17 रन हो चुके हैं।
और इसमत में देखिए निकाल दिया है दो फील्डरों के बीच में से, डाइव लगाना चाहते हैं लेकिन बाल जाते हुए फील्डर बाल का पीछा करते हुए और अंतिम समय पर बाल को रोकते हुए, लेकिन गेंद चली जाएगी किनारे का किनार चार रन के लिए। कोलकाता की आउट की चिन्ना स्वामी की पिच, क्या मिश्रण है यहाँ पर, अगर एक बार ये निकल गई गैप में तो पीछा मत कीजिए नहीं रुकेगी। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर टू टू से चार रन के लिए, जानते हैं कि एक अच्छे गेंदबाज है सामने तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे लेकिन रन को तोड़ते चले जा रहे हैं। और चार रन के साथ सचिन जी स्कोर पहुंच चुका है 21-21। और इसमत पर देखिए बढ़िया बॉलिंग, खूबसूरत बॉलिंग अपने फॉलो अप थ्रू में खुद ही फील्डिंग करते हुए, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए अंकित जी को वॉचफुली प्लेइंग। और सचिन इधर देखिए मेरे भाई, और बिल्कुल दर्शक खचाखच यहां पर बैठे हुए, तमाम दर्शक मजा लेते हुए ग्राउंड का, मैच का मजा लेते हुए टकटकी लगाकर ग्राउंड के अंदर इस टूर्नामेंट को, इस मैच को देखते हुए अंतिम बोल लेकर आते हुए। और इसमत बात देखिए कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कदमों का जब आप इस्तेमाल करें तो बाल की पिच तक जाना होता है, फिर जाकर आप बाल को हिट करें और फिर अच्छा रिजल्ट आते हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 21-21। दो ओवर की समाप्ति पर, और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत सभी दर्शकों का यहाँ पर इस मैदान में। जीतो प्रीमियर लीग 2020 लुधियाना चैप्टर, जो YouTube पे लाइव इस मैच को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये है मैच नंबर 5। पहले 4 सक्सेसफुल मैचेस हो चुके हैं और सबसे अच्छी बात इस टूर्नामेंट की, सभी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखाया, सभी रूल्स का रेगुलेशंस का बहुत अच्छे से फॉलो हुआ और बॉलिंग में परिवर्तन। और अब आते हुए हनी जैन, जीतो का स्तर हर साल ऊपर उठता हुआ। और इस बार देखिए बाल हवा के अंदर, फील्डर बाल के नीचे, और ये देखिए सिंपल कैच था, इस कैच को आप कुर्सी पर बैठकर टोस्ट खाकर चाय पीकर भी पकड़ सकते थे क्योंकि इतना ऊंचा कैच पे बड़ा समय होता है, लेकिन कैच छोड़ते हुए अखबार भी पढ़ सकते थे, बहुत समय था। और ये फील्डर भी अच्छे हैं, पता नहीं कैसे मिस हुआ ये कैच, बढ़िया बॉल थी हनी की। और इस मत में देखिए बंदे बढ़िया बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक रन से नहीं रुक पाएंगे, बाल जाते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र एक रन बनता हुआ और एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 23-23 पर गाड़ी पहुंचती हुई। बढ़िया इस वक्त मैच चलता हुआ तमाम दर्शकों का। और इस मत पर बाएं हाथ से होकर माना रवर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बाल और बैट का संपर्क नहीं, और एम्पायर की ओर देखते हुए, लेकिन एम्पायर इज बिल्कुल राइट, जज है एम्पायर, कोर्ट में जज और मैच में एम्पायर दोनों का कार्य बड़ा जबरदस्त होता है। और स्मतवा देखिए घुमाना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ, और इधर पवलिंग की ओर करते हुए कि भैया मैं कोशिश कर रहा हूं रन बनाने की लेकिन क्या करो बैट पे नहीं आ रही है। संपर्क बहुत ही जरूरी है राजू जी, संपर्क होगा बीचों बीच तो गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। हनी अपने ओर की अगली बॉल लेकर, और ये देखिए लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से, सुंदर एम्पायरिंग चलती हुई दोनों ही एम्पायर की ओर से, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 25-25 पर गाड़ी पहुंचती हुई अगली बॉल लेकर। और इस मत देखिए पुल करना चाहते हैं लेकिन बाल उस प्रकार से बैट पर नहीं, और सुंदर बिल्डिंग, और अंतिम समय पर आप इस बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ठीक था इस बिल्डिंग में, बहुत दूर से भाग कर आए, पहुंच गए थे गेंद के पास लेकिन सिर्फ आखिरी वक्त पर संपर्क ठीक नहीं हुआ। और सचिन जी बाउंड्री लैंड पर आप मिस फील्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सीमा, बॉर्डर के सीमा स्कोरिंग फोर्स होती है, वो बॉर्डर के ऊपर कभी भी इस प्रकार की फील्डिंग या इस प्रकार की मुस्तैदी बिल्कुल अच्छी मुस्तैदी के साथ वो करते हैं, बाउंड्री लैंड पर आप मिस्टेक नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद आपके पास फील्डर पीछे नहीं होता। और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर अगली बॉल लेकर। और इस मत पर देखिए इसे निकाल दिया गली की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 29। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओके सर, तीन ओवर 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
स्क्रीन पर देख सकते हैं आप स्कोर। रेड हिल रिपर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था 10 के करीब। तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से, तीनों पर मुकम्मल 29 रन और एक विकेट का नुकसान। रेडल रिपर्ट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी में परिवर्तन। और ये बड़ा शॉट, गेंद गई है सूर्य के बीचों बीच और बाउंड्री के बाहर। देखना भी चाह रहे थे तो दिख नहीं रही थी गेंद, सूरज के बीचों बीच ये गेंद। और इसी शॉट का प्रयास कर रहे हैं सुबह से ये खिलाड़ी और आखिर तक जीत मिली। पहले ताकत और फिर नजाकत, और देखिए 4 रन, 2 गेंदों में 10 रन, मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ इस खिलाड़ी की ओर। अभी देर से प्रयास कर रहे थे, थोड़ी हौसला बधाई की टीम ने और उभर कर आ रहे हैं सामने। और विक्रम क्या कमाल का शौर्य यहां पर दिखाते हुए, ताकत से भी नजाकत से भी स्ट्रोक से जिस तरीके से रन आने चाहिए। और आतम के लिए तो इस समय आतंक का पर्याय बन चुके हैं विक्रम, कहीं पर भी बॉल डालेंगे तो बाउंड्री स्ट्रोक की वहां पर गुंजाइश बन रही है। और मैं समझता हूं कि फुल टॉस पर लिया, पीछे खिलाड़ी को बीट करके गेंद निकल जाएगी, वन बाउंस ओवर द लॉन्ग लेग बाउंड्री फॉर 4 रन्स। और आतम जैन तो डबल प्रेशर फील कर रहे होंगे, कैच भी छोड़ा था पिछले ओवर में, उसके बाद क्या बल्लेबाजी है, नो स्टोन अनटर्न। अच्छी फील्डिंग यहां पर, आखिरी मोमेंट पर बॉल को रोक लिया, नहीं तो 4 रन निश्चित थे। अच्छी बल्लेबाजी विक्रम, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 44-44। गाड़ी धीरे 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 गति पकड़ती हुई। अगली बॉल लेकर स्विंग एंड स्विंग एट 12 फॉर 6 रन्स, लॉक्ड इट ओवर द लॉन्ग बाउंड्री। अरे ये स्टार नहीं है तो सुपरस्टार है, क्या धक्का लगाया है नितेश जैन, थोड़ा अपनी बाजू में खोलते हुए, काफी देर के बाद स्ट्राइक पर आए थे। अंदर ज्वालामुखी फलकता हुआ और इस धक्के के साथ थोड़ा रिलीज मिला होगा। 50 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और इस छक्के से 50 रन भी पूरे हुए। रेडल रिपर्स के लिए इस बार अच्छी गेंद, शरीर की सीध में ऑन साइड की तरफ इसको टर्न करने की कोशिश करी थी लेकिन सिंगल मिलेगा नहीं, खुद जाकर फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया था, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। ओवर यहां पर होगा मुकम्मल, कुल मिलाकर ओवर्स की संख्या देखें तो हो चुकी है 4 और 4 ओवरों में रेडल रिपर्स पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते समय है 50 पर, 1 विकेट के नुकसान पर बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है। 6 ओवर यानी 36 गेंदें आनी बाकी और इन 36 गेंदों से कम 80-90 रन जुटाने पड़ेंगे और 150 का स्कोर आप बनाते तो पिछला मुकाबला जो हमने देखा अच्छी गेंदबाजी के बदौलत 47 रनों से उन्होंने वो जीत हासिल करी थी। तो एक आदर्श आपके सामने जरूर रख रहे हैं कि 150 का स्कोर बनाइए, अच्छी गेंदबाजी करिए और टूर्नामेंट की सफल शुरुआत करिए। 21 रन आए हैं पिछले ओवर में, बड़ा ओवर। ना पता नहीं था इस बार की गेंद कितनी गति से आने वाली है, ऑन साइड की तरफ पहले से ही मन बना लिया था, बल्ला पहले चल गया, गेंद बाद में आई, थोड़ा सा देखकर टाइमिंग करें तो बहुत बेहतर। हालांकि मोमेंटम जरूर अभी बल्लेबाजी की तरफ है लेकिन 1-2 विकेट जैसे हमने देखे थे कि पिछली इनिंग्स में गिर जाएंगे पिछले मुकाबले में, बात बच जाए। फुल टॉस गेंद कहीं ना कहीं किनारा लगा बल्ले का और अच्छी टाइमिंग नहीं हुई, लॉन्ग लेग से जाकर गेंद को फील्ड किया गया, स्क्वायर लेग एम्पायर के बिल्कुल पीछे 1 रन की गुंजाइश यहां से बन निकली। यहां पर दर्शक थोड़ी सराहना करते हुए और नाम लेते हुए खिलाड़ी का जो अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर, नितेश। अच्छी लंबी ऊंची हिट लगा सकते हैं ये खिलाड़ी, थोड़ा मिस टाइम हुआ शॉट, बॉल परख नहीं पाए, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। वापस विक्रम आए हैं स्ट्राइक पर,
और इनका खड़ा रहना जरूरी, अच्छी टाइमिंग करते नजर आ रहे, थोड़ा सा जरूर आपा खोया था बीच बीच में, लेकिन बाउंड्री स्ट्रोक्स इनके बल्ले से बहुत बेहतर निकले। इस बार नजाकत की तरफ रुख किया और खेला इसको शॉर्ट थर्ड मैन के जाने, एक रन और मिल जाएगा विक्रम को। हल्के हाथों से खेला शॉर्ट, देख रहे थे गैप लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए, एक रन मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि नीतीश वापस आ गए हैं स्ट्राइक पर, और ये विकेट जरूर देख रहे होंगे भूमिया सनराइजर्स। अब तक का शांत ओवर, तीन रन आए हैं चार गेंदों में, और गेंदबाज अपना फील्ड सुनिश्चित करते, थोड़ा सा और फाइन लगाया है फील्डर को। अच्छी गेंद, स्विंग एलिमेंट से इस बार दिशा में भटका, व्हाइट बॉल का इशारा होता है अंपायर मनीष के जानिब से। अतिरिक्त रन भी आते हुए, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक्स भी आते हुए, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 10 ओवर में अगर आप 150 रन बनाए तो वो मैच विनिंग स्कोर होता है। कुछ एक टीमें इसका अपवाद साबित हुई सुबह से जो हमने देखा। ओवर द विकेट, इस बार कदमों का इस्तेमाल, बेहतर तालमेल, टाटा बाय बाय दर्शक दीर्घा में, कोसों दूर ये रन, इस बार नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ नंबर 6। ये गेंद हवा में ही रह गई, मुझे लगता है नीचे नहीं आई, बहुत लंबा और करारा शॉट मेरा नीतीश जैन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। बढ़िया खिलाड़ी, एंटरटेन कर रहे हैं पूरे क्राउड को ये। और 60 पर पहुंचा उस छक्के से स्कोर बढ़कर, एक विकेट के नुकसान पर अच्छी शुरुआत कही जा सकती है टर्टल रिपेयर्स के लिए। नीतीश ने फिर से थोड़ी सी चहलकदमी करी, संभल लाइक रोबिनो थप्पा, लेकिन इस बार बाजी मार गए गेंदबाज, स्लोअर गेंद डाली थी और क्या कमाल की गेंद डाली, वेरी सेंस का इस्तेमाल किया और झटका दिया यहां पर रेड रिपेयर्स के लिए। दूसरा झटका लगता हुआ और ये गेंद कुछ दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विकेट है। नीतीश अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो स्कोर काया पलट सकती थी, निराश है कितने देर खेले, अच्छा खेले, एक तितली का जीवन बहुत छोटा होता है लेकिन वो जितना जीती है बहुत अच्छे से जीती है। कुछ ऐसी इनिंग्स थी नीतीश की, बहुत बढ़िया मिडल ओवर्स में इन्होंने कुशन दिया अपनी टीम को। अब नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर, अनु पांचवा ओवर चल रहा है और नितिन जैन आए हैं, टिकना पड़ेगा किसी को तो टिकना पड़ेगा। चार ओवर 60 रन, ये है अब तक का लेखा जोखा टॉस जीतकर रेडल रिपेयर्स बल्लेबाजी करते हुए, और ये पांचवा ओवर पांच ओवर 60 रन, यानी कि वी आर इन द हाफ वे ऑफ द इनिंग्स। 60 रन अगर इसी रन रेट को बरकरार रखा जाए तो 120 रन तक पहुंच जाएगी ये टीम, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ करके दिखाना होगा और अगर कुछ फिनिशिंग अच्छी कर पाए तो 120 भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों धर्मेंद्र जी? बिल्कुल, और 120 रन अगर आप है तो अच्छी गेंदबाजी करके आप जीत भी सकते हैं। पिछला मुकाबला वो उदाहरण प्रस्तुत करके गया, नन्हे नन्हे कदमों से ओवर द विकेट लंबे करके गेंदबाज। अच्छी गेंद नहीं, ये तो वार्म अप कर रहे हैं। आपने लग रहा है कि देखा होगा ये पिछला मैच जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में हुआ था, एक रन से हारे थे 200 रन बनाने के बाद भी। सीरीज लेवल हुई थी दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, वापस लौटते हैं भारत और पटियाला। फुल टॉस गेंद और ये गेंद हवा में है, लेकिन हवा में ही रहेगी और बाहर जाएगी। यहां पर कैच पकड़ा है रम्यक जैन ने अपने बाएं हाथ, उनके बाएं हाथ का खेल है। बढ़िया शॉट, और ये शॉट की काफी प्रैक्टिस करके आए हैं विक्रम जी। हर बॉल पे इस पोजीशन में आ जाते हैं कि इसी तरफ छक्का लगाएंगे। छक्के से स्कोर पहुंचा 66। इस बार भी हवा पे गेंद, सुपर कवर के खिलाड़ी के पास ये गेंद गई, थोड़ा सा उनका पैर ऐसा लगा कि फिसल गया, संतुलन में नहीं थे
अच्छा थ्रो, बिल्कुल सटीक थ्रो, रॉकेट आर्म, समवन लाइक रविंद्र जाडेजा, बट दिस टाइम फ्रॉम द राइट हैंडर्स. लेकिन एक रन यहाँ पे और जोड़ता हुआ 67 पहुंचा स्कोर बढ़कर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये छठवां ओवर फेंका जा रहा है. 5.2 ओवर 2 विकेट के नुकसान. खराब गेंद, बीमर तलाश कर रहे थे, नो बॉल का इशारा आता हुआ, जिसके मायने हैं कि यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप इसको बड़े स्कोर में तब्दील करें. फ्री हिट आनी चाहिए, अभी तक फ्री हिट का इशारा आया नहीं अंपायर की तरफ से, नो बॉल का अवश्य. अब जाकर उन्होंने बोला कि आपके पास मौका है, तलवार चलाएं, जुटाएं 6 रन. कौन सा एरिया पिक करेंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उसको पुल किया पीछे, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी केवल दर्शक मात्र, गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस 4 रन. और बाउंस कितना है धर्मेंद्र जी की, अगर फील्डर पहुंच भी जाते तो ऊपर से जाते ही देख लेंगे. सनराइजर्स को चाहिए अच्छे विकेट, एक दो विकेट चटकाएं तो फिर उनकी भी वापसी यहां से देखी जा सकती है. गेंदबाजी के नजरिए से पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा. ताकतवर प्रहार, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, गेंद गई वाइडिश मिड ऑन की तरफ, दूसरा रन चाहते हैं बल्लेबाज, मिलेगा नहीं. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर अगर विकेट निकल गई तो फिर से आपको मोमेंटम तलाशना पड़ेगा. क्या 10 ओवर्स में तो मोमेंटम कभी भी बनाया जा सकता है. ओवर द विकेट, एक बार फिर से खराब गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, साथ में गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर भी, तो कुल मिलाकर 5 गेंद काउंट नहीं होगी. और इन 5 रनों से 78 पर पहुंचा रेड हिल रिपर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर. रिकवरी होती हुई है, इस बार हल्के हाथों से कलाइयों से बोलने की कोशिश करी थी, विकेट कीपर कूद गए थे लेग स्लिप के जाने, वो वहां से गेंद को फील्ड किया, एक रन और मिला 79, 2 विकेट के नुकसान पर. 5.5 ओवर के बाद रेड हिल रिपर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतो प्रीमियर लीग 2020 का यह पहला करामाती दिन, 5वां मुकाबला. ट्राई तो जरूर, लेकिन इस बार टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, एज लगकर गेंद गई थी, फर्स्ट स्लिप थोड़ा सा दूर, शॉर्ट थर्डमैन की पोजीशन पर, वहां से भी एक रन की गुंजाइश बन गई. तो 6 ओवर यहां पर होंगे मुकम्मल, और रेड लिपर्स 80, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक का लेखा जोखा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए. और 20 रन आए हैं इस ओवर से, 20 रन. तो 20 रन यहां पर किसी भी ओवर में आ सकते हैं, क्योंकि पिच इतनी सपाट है कि बल्लेबाजों के लिए तो बस बैटिंग पैराडाइज बना हुआ है. आपको सिर्फ स्टे करना है विकेट पे, और थोड़ा बाजू में अगर जोर है तो छक्का यहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिलेगा, जबकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन बॉल जो चूज की है बहुत अच्छा ट्रैवल करती है, और अगर एक बार इनफील्ड से बाहर निकल गई तो फिर रोकना मुश्किल. यहां से क्या देख रहे हैं धर्मेंद्र जी, कितना स्कोर कर पाएगी टीम? कि 4 ओवर कम से कम 50 रन तो मैं जरूर देख रहा हूं. हवा में गेंद नो मैच लैंड पर जाकर गिरेगी क्या, डीप इट विकेट से आकर गेंद को ये देखिए कैच करने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन ये सूर्य बहुत ऊंचा, हाई कैचेस बड़े मुश्किल होते हैं खासतौर से इस तरीके की सिचुएशन में. लेकिन 2 रन का मौका यहां पर बन गया, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, विकेट्स भी जा सकते हैं, रन स्प्लिंग तो खैर चल ही रहा है, और 130-40-50 अगर स्कोर जाता तो फिर दोनों टीमों के पास मौका रहता है मुकाबले को जीतने का. अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के मोमेंटम के साथ जाते हैं. बिल्कुल ठीक कहा धर्मेंद्र जी आपने, फील्डर्स पूरे पम्प्ड अप हैं, थोड़ा ओवर रनिंग कर रहे हैं फील्डिंग के वक्त, कैच बन सकता था, थोड़ा जजमेंट की जरूरत थी, लेकिन मैं उनका कसूर नहीं कहूंगा. थोड़ी अब गर्मी बढ़ रही है, सूरज अपना काम शिखर पर करता हुआ. एक बार फिर बॉल हवा में, फील्डर नीचे मौजूद हैं, और ये देखिए ऐसे लगा जैसे हाथों पर तेल कोई लगा हुआ था, बॉल आते ही फिसल गई. पर ये टेनिस बॉल में उछाल ही इतना है सर कि अगर आपने सही समय पर हाथ बंद नहीं किए तो वो तो जाने वाली है. आई थिंक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में वो कैच को पकड़ रहे थे, सीधा हाथ रखते तो बात शायद बन जाती, लेकिन फायदा मिला जाकर बल्लेबाज को, आउट नहीं हुए, थोड़ा सा धैर्य होते नजर आ रहे हैं बैट्समैन भी. मौका था गेंदबाजी टीम के पास की दबाव बनाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. यहाँ तो मुझे लगता है गेंद भी गर्म हो चुकी है हाथ पे लग के, कह सकते हैं आप, बहुत तेज धूप है यहाँ पर.
इस बार नजाकत बहुत बढ़िया, गैप का इस्तेमाल, लेकिन गेंद निकल जाएगी, छक्का थी बाउंड्री लाइन के बाहर, थोड़ी सी ओवर रनिंग की यहाँ पे फील्डर ने और खामियाजा भुगतना पड़ा, जहाँ एक रन हो सकता था वहाँ चार मिले, थोड़ा ओवर रनिंग। इस पोजीशन में बॉल टप्पा पड़ने के बाद उसका घूमना सुनिश्चित है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, वहां बॉल तो घूमेगा भी। गेंद का इंतजार किया था और फिर कट शॉट के लिए की तरफ गए थे, सबसे कलात्मक शॉट फ्लिक डाउन टू स्क्वायर लेग रीजन, एक रन, अच्छा शॉट देखने में लगा, कलाइयों का इस्तेमाल किया, ताकत से मारने नहीं गए। कलाइयों की जब भी बात होती है तो मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद जरूर आती है, उसके बाद वीवीएस वेरी वेरी स्पेशल, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, कितने सारे, और अब विराट कोहली 100%। आजकल को एक दो नए शॉट्स डेवलप हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी, मुझे लगता है उन्होंने टेनिस मैचेस देखने शुरू कर दिए हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से उठाकर लेग पे छक्का मारते हैं, पिकअप शॉट, इस बार कुछ इस तरीके से गेंद जाएगी, मत भागिए मत भागिए, कुछ नहीं होने वाला, गेंद निकल चुकी है गैप में, चार रन देकर जाएगी, और विक्रम जी यहां पर अपने 90% ऑफ द रन स्कोर करते हुए इसी एरिया में सुबह से लगे हुए हैं इधर ही मारने, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, अच्छी बैटिंग। अच्छा चौका ढूंढा, गैप कितना बढ़िया ढूंढा था, ताकत से मारने की तरफ नहीं गए थे, और बढ़िया इंप्रोवाइज किया था, इस बार टाइमिंग उतना बेहतर नहीं, डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट, दो खिलाड़ी जाकर गेंद के पीछे, और एक आकर आप फील्डिंग का मजा आ रहा है, इस बार फील्डिंग बाउंड्री लाइन के बाहर, निराशाजनक प्रदर्शन, थोड़ा फील्डिंग में रोक सकते थे इस बार, थोड़ा बॉडी पीछे चाहिए थी बॉल के, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला मुझे लगता है वहां पर गेंद का, और बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर, फिर से देखिए 16 रन आए हैं इस ओवर में, तो पिछले दो ओवर में 36 रन, काया पलट चुकी है, 96 हो चुका है बोर्ड पर, अभी भी 18 गेंदें बची हैं, तो देखना होगा कहां तक पहुंचती है रेड हिल रिपर्स, कप्तान का अब तक का ये डिसीजन सफल, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था, और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर 130-135 रन बन गए तो उसके बाद प्रेशर होगा बॉलिंग टीम पर, क्योंकि हर बॉल पर फिर इसी सोच से उतरना पड़ेगा कि चौका या छक्का लगाना ही लगाना है, और वो गेम को थोड़ा डिस्टर्ब करती है, थोड़ा इंबैलेंस क्रिएट करती है, थोड़ी सोच बदलती है यहाँ पर खिलाड़ी की, और वो गलती कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी, कितना स्कोर लग रहा है आपको, 96 हो चुका है, 7 ओवर 18 गेंदें, कितना रन, आई थिंक 50 रन तो बनने चाहिए जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है इस समय, अगर 50 बन गए सर तो 146 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल इतना तो बनने चाहिए, हमने दो तीन मैचेस में देखा कि लग रहा था 120 भी नहीं जाएगा, लेकिन जाकर वो 130 के पार गया, और जब तक वहां पर विक्रम साहब खड़े हुए हैं बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन अब बॉल जिसके हाथ में है इनको मारना इतना आसान नहीं है, ये है इस टीम के बुमराह, अब आएगा मजा, पारी का 8वां ओवर और सबसे किफायती गेंदबाज, सबसे खतरनाक गेंदबाज, रन्स की जरूरत, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, आइए इसका मजा लीजिए, आ गए हैं वो गेंदबाज, और देखिए मौका बन गया है, लेकिन फिर से कैच छूटा, कैचिंग थोड़ी, फील्डिंग थोड़ी सी यहां पर निराशाजनक रही है इस टीम की, थोड़ा अगर फील्डिंग का स्तर ऊंचा होता तो ये स्कोर बहुत कम रह जाता, आई थिंक 70-80-75 आप देख सकते थे, बिल्कुल यकीनन दुरुस्त फरमाया, और ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था, डॉट बॉल भी होती है वहां पर, विकेट भी मिल जाता, बहुत फर्क पड़ जाता है जब डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में आप जाते हैं, अब तक लगभग 25 रन का डिफरेंस आ चुका है फील्डिंग की वजह से, और आप देख सकते हैं कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड कितना हाई सेट होता है, इस बार अलोंग द कार्पेट ड्राइव किया मिड ऑफ के पीछे, लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा आगे की तरफ लगा कर रखा है, दूसरा रन चाहते हैं, विकेट कीपर जाकर स्टंप्स की तरफ दौड़ते हुए उखाड़ भी देंगे, विकेट गिरती हुई यहां पर, और यही एक तरीका था आउट करने का, क्योंकि ना तो कैच हो रहा है, विक्रम जी जिनका कैच छूटा था तब ये शायद सिंगल डिजिट फिगर पर थे, और आतम जैन ने कैच छोड़ा था, उसके बाद इन्होंने काफी रन बनाए हैं, और रन आउट ही एक मुझे लगता है ऐसा मौका दिख रहा था जिससे ये आउट हो सकते थे, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया क्योंकि आपने एंड मौके पर विकेट लिया, वो भी सेट बैट्समैन का, रन चाहते थे विक्रम लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से मना किया, आई थिंक अगर वो एक प्रयास में दौड़ भी लेते तो रन मुकम्मल हो सकता था, क्योंकि विकेट कीपर ने भी जाकर बहुत लंबी दौड़ लगाई थी स्टंप्स पे घेरने में,
और अब आए हैं इस टीम के महेंद्र सिंह धोनी, मयंक जैन जी, बहुत ही उम्दा प्लेयर। और सबसे बढ़िया खासियत है इस प्लेयर की, ये लीडर बहुत अच्छे हैं, सूझबूझ है इनमें। और जब आपने इनको टॉस के वक्त सुना होगा तो शायद आपको भली भांति समझ आ गया होगा, पूरी तैयारी से आए हैं, टीम को समेटा हुआ है, अपने आप को पीछे रखा है लास्ट ओवर्स में संभालने के लिए, और अब देखते हैं क्या कर पाएंगे बल्ले से। लीडर बहुत बढ़िया है ये, कुछ भी हो अब तो तेज गति से रन चाहिए और आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी 100 से 2 रन भी दूर है। रेड लिपर्स 98 समय स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और निश्चित रूप से कम 40 रन की जरूरत और है यहां से रेड लिपर्स के लिए एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के लिए, अंडर प्रेशर करने के लिए भूमिया सनराइजर्स के लिए, वो तो बाद में पता चलेगा। उसको ऑफ साइड की तरफ खेला जरूर, कवर्स में फील्डिंग अच्छी हुई लेकिन एक रन की यहाँ पर गुंजाइश बनती है। डेथ ओवर्स की गेंदबाजी है, इतना प्रेशर है, इतना रिस्क लेकर चलते हैं बैट्समैन की आपको दौड़ना ही है। वो रन पूरा किया, 99 इस समय हो चला है स्कोर। अब प्रश्न ये है सचिन की, अब बड़े शॉट्स कौन लगाएगा? विक्रम बहुत अच्छा टाइमिंग करते नजर आ रहे थे, अब वो आउट होकर पवेलियन वापस। बढ़िया शॉट, 6 रन। और ये जो शॉट लगा है अंकित जैन जी की गेंद पर, ये थोड़ा हौसला परस्त करेगी अंकित जी, इनके सबसे सफल गेंदबाज, और बड़े आसानी से छक्का लगा दिया है उन्हें। और इसी के साथ स्कोर देखिए, 105 चमकता हुआ स्क्रीन पर, थ्री फिगर्स, द मैजिकल थ्री फिगर्स, 105/3। और अभी भी 2 गेंदे ओवर की बाकी बचती हैं, यहां से मोमेंटम आप पिक करें, अंतिम के जो 2 ओवर बचते हैं, 12-14 गेंदे हैं आपके पास, बिल्कुल 50 रन बनाए जा सकते हैं। बाकी की 2 गेंदे किस तरीके से जाएंगी, बड़े शॉट्स अगर आ गए तो फिर उम्मीद अब अवस्था हो जाएंगी। रेडल रिपर्स के लिए डेड बॉल करार दी गई, रनअप में थोड़ा सा गड़बड़ी, सबसे काबिल गेंदबाज हैं इस टीम के और इनको मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने कर दिखाया। हाँ, एक और अच्छी गेंद, बार बार मौके नहीं मिलेंगे, कोर्ट पे आई की अपील यहां पर करते हुए विकेट कीपर, लेकिन लेग बाई का इशारा कर रहे हैं कि पैट से जाकर गेंद लगी है तो इसलिए यहां से आउट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली कि ये डॉट बॉल था और डॉट बॉल पे यहां पर आपको कोई रन नहीं मिला। अंतिम गेंद इस ओवर की बाकी 8 ओवर जहां पर मुकम्मल, नैनसल वन में स्कोर इस समय 111 रेड लिपर्स 3 विकेट के नुकसान पर, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतो प्रीमियर लीग 2020 का ये पहला दिन, 5वां मुकाबला चलता हुआ। शॉट, अच्छी गेंद थी, ब्लॉकल में थी लेकिन अच्छी गेंद पर भी चौका पड़ जाता है कुछ इस तरीके से, और ये एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद के इशारे के लिए अंतिम गेंद पर आया चौका, और इस चौके से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 115 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। अंतिम ओवर गैप में गेंद पीछे, खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन, गनीमत है कि बाउंड्री स्ट्रोक की तरफ ही नहीं गया। और ये 9वां ओवर फेंका जा रहा है और इसके बाद 6 ओवर की गेंदबाजी, 6 गेंद पूरी सुरक्षित बचती हैं। मैं सभी प्लेयर से गुजारिश करूंगा, प्लीज ये एरिया खाली कर दीजिए। शॉट आर सीधा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। वापसी करती हुई मुंबिया सनराइजर्स की टीम और रेड रिपर्स संकट में, जहां पर उनको तेज गति से रन चाहिए वहां पर लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं, और ये 4th विकेट गिरता हुआ रेड रिपर्स का, 9वां ओवर बड़ा कमाल। और गेंदबाजी यूनिट ये भी बहुत अच्छा है, और आगे आगे जिस तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा बड़ा मजा आएगा जब क्वालिफाइड्स के मुकाबले खेले जाएंगे।
एम्पायर साहब एक बार मैच मत शुरू कराना। I request everyone to please clear this area. To please clear this area. 114 run hai. 114. आठवां ओवर चलता हुआ खत्म हो गया। आठवां eight point three one one four sorry for the inconvenience play should resume now अरे इस बार तो फिर हवा में गेंद गई पीछे खिलाड़ी और पकड़ना चाहिए था वन बाउंस पर गेंद को रोका दूसरा रन चाहते लेकिन नहीं मिलेगा एक ही सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा मौका बना था हवा पर में अगर ये कैच पकड़ लेते तो डॉट बॉल भी जाती एक विकेट का भी नुकसान होता एक सिंगल और आता हुआ खूबसूरत शॉट पीछे खिलाड़ी क्या मौजूद अरे निकल गए गेंद चार रन मिलेंगे यहाँ पर अच्छे लंबे करके बढ़िया बाउंसर की तरफ आता लेकिन प्रयास अच्छा था लेकिन थोड़ी चूक हुई रोमांच 9 ओवर पूरे 125 तीन विकेट के नुकसान पर रेडल रिपर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदें मेरे हिसाब से कम 15 चलो 5 और बढ़ा देता हूं 20 रन तो बनने चाहिए अगर बने तो 145 दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए टाइमिंग उतना अच्छा नहीं स्लोअर गेंद था ये और एक रन मिला पहली गेंद पर एक रन यानी अब बल्लेबाज प्रेशर में और यहां से बाउंड्री स्ट्रोक पहली गेंद पर आता तो फिर बॉलर प्रेशर में जाता 126 9.1 ओवर तीन ही मात्र विकेट गिरे लेकिन 126 रन बोर्ड पर है थोड़ा सा कल रहा है जिस तरीके की बल्लेबाजी हमने देखी है सचिन 5 गेंदें बची हैं धर्मेंद्र जी देखते हैं ओह ये देखिए अगर आप ये गेंद कर सकते हैं तो बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है चाहे वो कोई भी बल्लेबाज हो आपकी गेंद इस जगह पर लैंड करनी चाहिए बढ़िया गेंद तेज और सही टप्पे पर क्लीन बोल्ड काफी देर के बाद देखने को मिला है ये क्लीन बोल्ड गाना लगा दीजिए उनकी टीम की सेलिब्रेशन की बारी है 4 गेंदें बची हैं स्कोर है 126 अच्छी शुरुआत की है इस गेंदबाज ने क्या ये 2 या 3 यॉर्कर और कर पाएंगे या फिर हमें देखने को मिलेंगे कुछ यहां पर लंबे हिट्स
क्योंकि जो बल्लेबाज का कद है वो काफी लंबा है। जिसपे एक पर सिंगल आया, दूसरे पर विकेट, रन चाहते हैं और पूरा कर भी लेंगे। और वाइड का इशारा, दो रन मिलेंगे यहां पर। अंपायर ने समय लिया और वाइड, ऊपर से कीपर ने भी मिस फील्ड किया। थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया था अंपायर ने, तो अभी भी मौका है बड़े शॉट्स लगाने का। कुछ इस तरीके से गेंद बाहर, छह रन मिड विकेट के ऊपर से। दर्शक थोड़ा सतर्क रहिए, गेंद बहुत तेज आ रही है बाहर। आपका आपकी आंख हटी तो दुर्घटना घटी, थोड़ा सतर्क रहिएगा, किसी भी वक्त गेंद बाहर आ सकती है आपकी तरफ। और हम कल गुजारिश करेंगे मैनेजमेंट टीम को कि अगर कोई दर्शक कैच पकड़ता है तो उनके लिए भी कुछ उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हम कल अरेंजमेंट्स करेंगे। फिलहाल 134 चार विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट इस बार कवर क्षेत्र की तरफ गए थे। अरे अच्छे फील्डिंग, स्ट्राइक एंड से थ्रो क्या करेंगे कि नहीं। अभी भी गेंद लुढ़कती हुई विकेट कीपर के हाथ में गई। अच्छा है कि ये डॉट बॉल है, इस पर कोई रन आया नहीं। ये बल्लेबाज मुझे काफी बढ़िया लेवल पे दिख रहे हैं। पिछली जो इन्होंने हिट लगाई थी, प्रॉपर क्रिकेट शॉट। विजय शंकर की याद आई मुझे इनका शॉट देखकर। थ्री डायमेंशन प्लेयर और इस बार खेला जरूर और यहां पर भी मिले छह रन। मैं आपको बोल रहा था कि ऑन साइड की टारगेट करेंगे और यहां पर टारगेट हिट किया। अंपायर के इशारे की देर कि ये चार चार रन का इशारा यकीन है। वर्मा सेट करके आए हैं लेग की तरफ, ऑप्शन के बाहर से बॉल को उठाकर इधर मार रहे हैं, तो बॉलर क्या करे। खड़े हुए हैं वहां से तो बहुत इजी हो जाता है ऑन साइड की तरफ पिच करना। प्राप्ति हो पाई और अंपायर की तरफ देखने की कोशिश की, कोई अतिरिक्त बॉल का इशारा बिल्कुल भी नहीं आया। तो इस तरीके से पारी समाप्त हुई रेड रिपर्ट्स की। 10 ओवर मुकम्मल, 138 और 39, एक रन और मिला था अंतिम गेंद पर। तो इस तरीके से 140 रन की चुनौती है मुंबई सनराइजर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओवर टू सचिन। धर्मेंद्र जी, एवरेज स्कोर जो सुबह से यहां पर चल रहा है वो 135-40 है, तो यहां से एक बहुत क्लियर सी बात सामने आ रही है कि ये पूरी बैटिंग प्योर बैटिंग पिच है, बैटिंग पैराडाइज। आपको सिर्फ वहां पर टिकना है, थोड़ा समय बिताना है और थोड़ा संपर्क बनाना है। 135-40 रन मुझे लगता है आराम से बन रहा है, तो कोई ज्यादा यहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दो बल्लेबाज क्रीज पर टिक गए तो ये स्कोर अचीवेबल है। और अगला मैच जो खेला जाएगा सुदर्शन वर्सेस टेक्नो, दोनों टीम्स के प्लेयर्स को मेरी गुजारिश है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्टर हो जाइए जल्दी से जल्दी। सुदर्शन वर्सेस टेक्नो, नेक्स्ट मैच एंड द लास्ट मैच ऑफ डे वन जीतो प्रीमियर लीग 2020। बूम बूम। और इस मैच का जो लक्ष्य है वो है 140 का। कप्तान काफी खुश हैं अपनी टीम के प्रदर्शन से। 120 प्लस उनकी आवाज थी कि 120 प्लस हम करेंगे और उन्होंने किया, 140 तक ले गए हैं स्कोर को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीम्स को कि अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरिंग एरिया में जल्दी भेज दीजिए, बिकॉज समय का अभाव है। जल्दी से शुरू करेंगे हम, एक एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों टीम्स प्लीज स्कोरिंग एरिया में भेज दीजिए।
आई रिक्वेस्ट टीम टेक्नो एंड टीम सुदर्शन टू काइंडली रिपोर्ट एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर. One extra player from Team Bhumia to reach in the scoring area. Quickly, please. Quickly. I would like to thank all the sponsors once again who have come up and contributed so that Jito Premier League 2020 can be a grand success. The title sponsor, Fort Collins, by Indra Hosiery Mills, co-sponsor Red Rock, venue sponsor Adinath Dyeing and Finishing Mills and Trims by Sudharma Clothing, outfit sponsor Abhay Trading, cap sponsor More Thread, award sponsor Juki by Swastik Enterprises, food sponsor Sherman Jain Sweets and travel partner Holidays and Beyond. And thanks to the Jito Management Committee who are present here amongst us. They have blessed the Jito Youth Wing to work day and night for the planning, for the execution of this grand event. And the broadcasting partners are 360 degree Cricket Planners. So a joint venture going on pretty well. We are almost to the close, to the end of the fifth match of the morning. And very soon, after this innings, we are going to start with the last match. So Techno and Sudarshan team players to be at the registration counter for their registration. 140 ka lakshya. A vehicle with car number 3250, Toyota PB10 3250. टाटा नैनो एक सौ चालीस का लक्ष्य लेकर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. और ये देखिए पहली गेंद और पहला चौका जिसने कर लिया है. बढ़िया शुरुआत. अंकित जैन ने शुरुआत की है चौके से. और ये देखिए ये गेंद कहां तक जाएगी और कैच हो जाएगा. ओह ये कुछ असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट जिसे हम कहेंगे. भागकर लॉन्ग ऑन से कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ पर और अंकित की पारी पे लगा दिया है विराम चिन्ह. भागकर वापस आ गए हैं अंकित. जहां पर हमें एक समय लग रहा था कि ये गेंद सीमा रेखा से बाहर गिरेगी वहां पर एक जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट. ये चीजें हमारी सोच पर निर्भर करती हैं. जो फील्डर सोच लेता है कि ये कैच मैं कर सकता हूं वो कर लेता है. बहुत ही बढ़िया कैच उमदा एफर्ट और वापस दे दिया है यहां पर जो पिंच हिटिंग करने गए थे अंकित जैन. पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद विकेट. और ये विकेट मैं कहूंगा गेंदबाज का नहीं, ये फील्डर के नाम अर्जित किया जाएगा इस विकेट को. बढ़िया प्रदर्शन. नितिश थे वहां पर फील्डर. फुल टॉस, कुड हैव बीन हिट एनीवेयर इन द ग्राउंड बट थोड़ा चूक गए. अभी थोड़ी आंखें जमी नहीं है, नहीं तो गिफ्ट मिल गया था आते ही. ये दूसरी फुल टॉस थी ओवर की और मात्र तीसरी गेंद. और अच्छा, फील्डर वहां पर तैनात है. एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ और देखिए सीधी थ्रो आती हुई नौ स्ट्राइक रन पर और एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ पांच.
हालांकि एक विकेट यहां पर गिर चुके, उसमें भूमिका रही फील्डर की जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, बहुत ही जबरदस्त कैच था नीतीश द्वारा। फील्डिंग से बहुत फर्क पड़ता है राजू मौर्य जी, अगर फील्डिंग साथ दे तो गेंदबाज का हौसला और बढ़ जाता है। अब स्ट्राइक पर हैं अभिषेक, देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। और स्पर्धा देखिए शॉर्ट बॉल थी लेकिन कुछ समय के लिए हवा के अंदर कैच बना पाते कि नहीं, सुंदर कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, अभिषेक को चलता दिया उनकी पहली गेंद पर। और पुनीश जैन द्वारा बहुत ही शानदार कैच सचिन अरोड़ा। ये देखिए ये फर्क पड़ता है अगर टीम में फील्डिंग एफर्ट अच्छा हो, और गेंदबाज बहुत खुश है अपनी टीम के इस प्रदर्शन से। गेंद छोटी थी, मार सकते थे कहीं पर भी लेकिन किनारा लगा और अच्छा कैच यहां पर भागते हुए, दूसरा कैच दूसरी विकेट, बड़ा झटका। पहले ही ओवर में दो झटके लग चुके हैं, पांच गेंदें हो चुकी हैं, पांच रन है स्क्रीन पर और लक्ष्य और बड़ा होता हुआ किसी को तो रुकना पड़ेगा। बहुत एंजॉय करने वाला विकेट है, मेरा तो खुद मन बहुत कर रहा है जाकर बैटिंग करने का, लेकिन ये जैन प्रीमियर लीग है, जीतो प्रीमियर लीग, इसमें खेलने के लिए आपका जैन होना बहुत जरूरी। और सचिन नौ स्टैकर पर आए हैं, हनी जैन इतनंद है सामने। और इस पत्र देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र एक रन, बॉल को मिस करते हुए और बॉल को छोड़ते हुए और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर चार रन के लिए। ये गोल हो गया है उनकी लेग के बीच में से, इसी फील्डर ने कैच पकड़ा था अभी कुछ क्षण पहले और अब एक आसान फील्डिंग मिस हो गई। और इस चार रन के साथ एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 दो विकेट के नुकसान पर, एक ओवर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर सचिन अरोड़ा, एक ओवर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर राजू मौर्य जी। अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं नए गेंदबाज, मयंक जी कप्तान, और आई रिक्वेस्ट All the members and the players to please clear the registration area. हनी है सामने, बढ़िया बैटिंग करते हैं हनी, अपने वर्क के अगले बॉल लेकर। और इस पर देखें बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर ने बीच में से बॉल को निकाल दिया है, कोई चांस नहीं, बाय बाय करती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर, प्रयास अच्छा था। कहते हैं ओस को चाट कर आप प्यास नहीं बुझा सकते, कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि बढ़िया पहला शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट था, बैक फुट पर जाकर क्रैश कर दिया बाल को एक्स्ट्रा कवर की ओर, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। और मैं भी आपको बता दूं हनी जी कप्तान भी हैं इस टीम के, कुछ करना भी पड़ेगा, अगर कप्तान बने हैं तो थोड़ी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। और कप्तान वर्सेस कप्तान, उधर बॉलिंग पर कप्तान है और उधर बैटिंग पर कप्तान हनी जैनिस है, वक्त है सामने। और इस मतलब देखिए बैक फुट पर जाकर निकाल दिया गली की तरफ, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, उस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 14, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 14। हालांकि धूप बहुत तेज है, सूर्यदेव जो है बिल्कुल हमारे सामने, और सूर्यदेव का भी एक समय है, पूर्व से निकलते हैं और पश्चिम की ओर समा जाते हैं कहीं और सेवा देने के लिए। और समत्मा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र एक रन बनता हुआ सीधी थ्रो जाती हुई नॉन स्ट्राइक रन पर, और इस एक रन के साथ स्कोर हनी वापस आए हैं स्ट्राइक पर, कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। और समत्मा देखिए एक्सम से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, एक्सरसाइज करते हुए दो एम्पायर, और ये थोड़ा मिसफील्ड,
कोशिश कर सकते थे यहां पर रन आउट की, लेकिन सेफ रहे। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है कप्तान मयंक ने, सूझबूझ से टप्पा, ज्यादा गति नहीं है उनकी बॉलिंग में। ओहो, उठा कर दे मारा है बाहर, ले जाइए इस गेंद को बाहर, नहीं पसंद आई उन्हें, दोबारा करना होगा इस गेंद को। 6 रन मैक्सिमम, आधा दर्जन। सचिन जी इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि टारगेट काफी है, 140 रन बनाए हैं और 140 रन का टारगेट कोई मामूली टारगेट नहीं होता क्योंकि मात्र आपके पास 60 बाले हैं। अगली बॉल लेकर और इस मत देखिए, अगर आपको इस पिच पर गेंद करनी है तो ये देख लीजिए इसका रिप्ले, यहां पर आपको टप्पा रखना होगा, ये आपको लाइन रखनी होगी, ये बताया कप्तान मयंक ने आखिरी बॉल कराकर। जल्दी सीख लिया अपनी गलती से, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 24, 2 विकेट के नुकसान पर, 12 की रन रेट है बरकरार, लेकिन चाहिए 14 की, तो कुछ वेट करना होगा एक बड़े ओवर का। 20-25 रन का एक ओवर आया तो रन रेट फिर से काबू में आ जाएगी। धर्मेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि जो कुछ करना पड़ेगा आपको जल्दी करना पड़ेगा, और ये तीसरा ओवर निर्धारित करेगा कि मुकाबला किस ओर जाने की संभावना बनेगी, या तो फिर पड़ा ओवर या फिर किफायती, तो फिर प्रेशर्स में जाएंगे भूमिया सनराइजर्स। गेंदबाजी पर आए हैं वीर विक्रम। अच्छा गेंद, वीर का आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैक पर जाकर इसको पंच किया कवर्स की तरफ, वहां पर स्वीपर मौजूद, 1 रन मिलेगा। एक भूमिया सनराइजर्स को बड़े शॉट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और फील्डर रिपर्स 139 किसी तरीके से पहुंचे 140 का। और ये गेंद गई है सीमा रेखा के पार, पर टप्पा कहां पड़ा? अंदर। 4 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट, थोड़ा म्यूजिक लग जाता है तो और मजा आ जाता है इस शॉट में। में कि मैंने कैसा शॉट लगाया था और उसका लुत्फ उठाते हैं घर बैठकर, किसी ने 1 6 भी लगाया हो तो उसे 6 बार जरूर देखते हैं घर पे कि मैंने कैसे लगाया था वो छक्का, और यही खा
जैन संजीव जैन है इस वक्त स्ट्राइक पर और मेरे हिसाब से ओवर कम है, लेग स्टंप लेने की लोड नहीं है ना ही मिडल स्टंप लेने की लोड, आए और अपना कार्य शुरू कर दे। हेलो और इस मतवा देखिए बाल जाती हुई लेकिन फील्डर के पास, फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं। सेवन है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, आठ ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 77, पांच विकेट के नुकसान पर। आठ ओवर 77 रन, पांच विकेट के नुकसान पर, एट ओवर 77 रन एंड फाइव विकेट्स। पांच जो हैं बल्लेबाज ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं और मात्र अब आप दो ओवर शेष, 12 बालें आपके पास शेष हैं और अगला मुकाबला जो खेला जाएगा आज के दिन का जो आखिरी मुकाबला होगा वो खेला जाएगा सुदर्शन टाइगर्स वर्सेस टेक्नो फिनिशर्स और दोनों की दोनों टीमें तैयार रहें दो ओवर के बाद के एक और अंतिम महासंग्राम आज के दिन का। क्या दिन गुजरा है आज, बड़ा मजा आया, क्रिकेट जिस तरीके का चला है अभी भी काफी रनों की जरूरत, 12 गेंदे आनी बाकी। बढ़िया शॉट 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से टाटा बाय बाय करते हुए और दोनों हाथ ऊपर की ओर जो हमारे जज साहब हैं पहन साहब हैं उनका इशारा आता हुआ कि गेंद जा चुकी है 6 रन के लिए। सुंदर इंपायरिंग, बढ़िया बैटिंग। अगली बॉल लेकर कहां डालेंगे बॉल, मिडिल स्टंप में ये समय बताएगा समय। इस मतवा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन अपने फॉल अप थ्रो में खुद ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए सुंदर गेंदबाजी। हालांकि पहली बॉल पर 6 आ गए थे लेकिन उसके बावजूद ही संयम नहीं खोया और जो इंसान मुश्किल घड़ी के अंदर संयम नहीं खोते हैं वही सचिन तेंदुलकर बनते हैं, वही विराट कोहली बनते हैं। संयम के साथ खेलना पड़ता है, वक्त के साथ खेलना पड़ता है। अगली बॉल लेकर और इस मतबा देखे इस मरतबा 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से सुंदर बल्लेबाजी। और इस 6 के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 89 91। बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई आत्म इस वक्त खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आतिम का बल्ला इस वक्त खुल गया, मुंह खोल दिया है बल्ले का। और इस मतबा देखिए इस मतबा देखिए आतिम इज द बेस्ट 6 रन के लिए आती बढ़िया शॉट। सुंदर बल्लेबाजी करते हुए आतिम, शानदार बल्लेबाजी। उसको लगातार रेस देनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी को लगातार दौड़ाना पड़ेगा। और इस मरतबा देखिए बैट छूट गया था और आउट होते हुए और बहुत ही शानदार कीपिंग मैं इसे कहूंगा, बहुत ही सुंदर कीपिंग कहूंगा। हालांकि मेरे हिसाब से जो आतम है उनका हाथ में पसीना आया हुआ था, बैट जो है फिसल गया था, हालांकि वापस आ गए थे लेकिन बैट फिसल गया था, हाथ से निकल गया था बैट, उसके परिणाम आउट होने के बाद ग्राउंड से बाहर आते हुए। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, दर्शकों का फुल फाई मनोरंजन किया आतम ने। सुंदर बल्लेबाजी करने के बाद ताड़ियों से स्वागत करना चाहिए, सुंदर बल्लेबाजी करने के बाद आतम इस वक्त आते हुए ग्राउंड से बाहर। और बैटिंग पर गए हैं राहुल, नॉन स्ट्राइकर पर हैं संजीव जैन और राहुल जैन है इस वक्त स्ट्राइक पर। और इस मतवा देखिए एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल का और आतम जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साइड में हो जाएं, आतम जैन साइड में हो जाएं बाबू, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हमें एम्पायर, साइड में हो जाएं भाई, हमें कुछ देखने दें। अगली बॉल लेकर राहुल है सामने, देखे बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन फिल्टर वहां पर तैनात, एक रन बढ़िया सन से बनता हुआ और एक ही रन बनता हुआ सीधी थ्रो जाती हुई नॉन स्ट्राइक रन पर।
मात्र एक रन बनता हुआ एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 97 तीन कम सो 97 97 और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 9 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 97 और एक ओवर में रन चाहिए सही हो राइट हो 43 राइट हो ना 43 43 रन चाहिए क्योंकि कहने से पहले सोचना पड़ता है हमारी जो आवाज है पूरा विश्व सुनता हुआ यूट्यूब पर मैच चलता हुआ अगर माड़ी सी मिस्टेक हुई तो कहीं ना कहीं से फोन आ जाएगा आप मिस्टेक कर रहे हो भाई और मिस्टेक होनी नहीं चाहिए और अंतिम ओवर में 6 बालों पर रन बनाने हैं 43 रन चाहिए अगर 6 छक्के भी लगा लें परम जी तब भी बात नहीं बनेगी क्योंकि 43 रन चाहिए बॉलिंग पर हैं अंकित सचिन अरोड़ा जी जरा साइड में हो जाएं थोड़ा सा साइड में हो जाएं भाई अंतिम बॉल है क्योंकि मैच इस वक्त गर्म होता हुआ और सामने है राहुल नौ स्ट्राइकर पर है संजीव अंतिम ओवर आता हुआ मात्र 6 बाले सिर्फ 6 बाले 6 बालों पर 6 छक्के लगाए तभी बने तक बने तो कुछ भी नहींगा अगर 9 बाल वाइट बॉल बीच में ना आए तो राहुल है सामने राहुल चैन है सामने और इस बतवा देखिए बढ़िया बॉलिंग खूबसूरत बॉलिंग और 5 बालें शेष इस ओवर की लेकिन जो आतम ने बल्लेबाजी आतिम जैन ने बल्लेबाजी की वो बल्लेबाजी किसी भी बल्लेबाज के द्वारा जो है वो उस प्रकार की उस मतवा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट 6 रन के लिए एम्पायर के इशारे का इंतजार 6 रन का आता हुआ और जो मेरे साथी कैप्टन है मिस्टर धर्मेंद्र रावत न्यू दिल्ली आगे का आपको देखा जो है वो सुनाएंगे धर्मेंद्र फ्रॉम न्यू दिल्ली से बहुत ही और इस मतबा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया है फिल्डर वहां पर मिड विकेट और लॉन्ग आउट के बीच का जो दायरा था जो है गैप का फायदा उठाते हुए गैप जाते हुए सीमा रेखा से बाहर जल्दी से बताएं बाबू स्कोर कितना हो गया सुसात पर गाड़ी पहुंच गई अपने भर की अगली बॉल लेकर सामने है राहुल जैन और इस मतबा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ फिल्डर वहां पर तैनात है मात्र एक रन बनता हुआ सीधी थ्रो आती हुई नॉन स्टैकर एंड पर और आगे का आंखों देखा हाल जो है आपको सुनाएंगे धर्मेंद्र फ्रॉम न्यू दिल्ली मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज सर स्मॉल अनाउंसमेंट कैन वी हैव सर संजय जी आर मेन स्पॉन्सर द टाइटल स्पॉन्सर इंदिरा होजरी फॉर द नेक्स्ट मैच टू टॉस अप द क्वाइन एंड द वेन्यू स्पॉन्सर ऑल्सो आदित्य ड्राइंग ललित जैन सर इफ यू कैन हियर मी आई एम रेजिंग माई हैंड हियर If you can come up, thank you so much. I can see both the gentlemen here. And both the captains, please. Sudarshan Tigers versus Techno Finishers. The captain of Sudarshan Tiger, Abhinandan Jain. And next goes to Techno Finishers, Mr. Vikram Jain. You are absolutely right, sir. Both the captains, Sudarshan Tigers and the Techno Finishers.